भोपाल में डीजे बजाने की परमिशन जरूरी, शादी में दो घंटे बजा सकेंगे डीजे, सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच रही अनुमति। एसडीएम भोपाल मेट्रो के 8 स्टेशनों का भूमि पूजन, 426 करोड़ रुपए से बनेंगे स्टेशन, 2 स्टेशनों में इंटरनेशनल लेवल की सुविधा होगी। सीएम बोले सितंबर तक 23,000 दौड़ेगी। हनुमंतिया में छठवा जल महोत्सव आज से दोपहर 3 बजे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ, पर्यटन स्थल पर 2 घंटे तक रुकेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का रिजल्ट आज, इंदौर ने लगाया स्वच्छता का पंच, 12 करोड़ का सफाई मित्र पुरस्कार तो शहर के नाम। और प्रमुख के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन, आज संघ की शाखा में शामिल होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बैंड बाजा डीजे व्यवसायी को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोविड-19 के सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, लेकिन मिली सूचना अनुसार भोपाल में कलेक्टर द्वारा डीजे और बैंड पर दिन में सिर्फ 2 घंटे की अनुमति संबंधित आदेश जारी किए गए हैं। एक निश्चित मुहूर्त में विवाह संस्कार की सनातन परंपरा को कलेक्टर महोदय ने आदेश के साथ निभाना पाना असंभव होगा। शर्मा ने बैंड और डीजे के व्यवसाय से जुड़े बंधुओं पर गहराते आर्थिक संकट की चिंता जाहिर करते हुए ऐसा आदेश वापस लेने की मांग की है। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी और वीरांगना लक्ष्मीबाई की जयंती कांग्रेस कमेटी ने बैरसिया के रेंज चौराहा पर मनाई। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे नरेंद्र शर्मा, मदन सिंह ठाकुर एवं कांग्रेस जनों ने स्वर्गीय इंदिरा जी की तस्वीर पर पुष्पमाला कर श्रद्धांजलि दी, देश के योगदान एवं बलिदान को याद किया। नरेंद्र शर्मा ने कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी एक सशक्त महिला प्रधानमंत्री थी जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। आयरन लेडी श्रीमती देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के जन्मदिवस पर और रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिवस पर हम शुभकामनाएं सभी देश प्रदेशवासियों को प्रेषित करते हैं। इलाहाबाद में जन्मी, इलाहाबाद में ब्रिटिश भारत, इलाहाबाद इसलिए कह रहा हूँ कि ब्रिटिश उस समय शासक था ब्रिटिश का, इसलिए ब्रिटिश भारत में जन्मी इलाहाबाद में इंदिरा गांधी जी को पुनः बधाई। और आज जो 3 कृषि कानून मोदी सरकार, मैं कहूँगा भाजपा नहीं बल्कि मोदी की तानाशाही सरकार ने वापस लिए हैं, वो झुकना पड़ा, वो देश के किसानों की, इस कांग्रेस पार्टी की और प्रत्येक भारतीय की जीत है। चूँकि जो चोर दरवाजे से 3 काले कानून बिना किसी से परामर्श किए हुए, विपक्ष को बताए हुए पास किए थे, उस सरकार को आज झुकना पड़ा, चूँकि सैकड़ों किसानों की शहादत का ये परिणाम है। और भारत और समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्मदिवस है, उनको मैं सशस्त्र नमन करती हूँ, और वीरांगना लक्ष्मीबाई जी की भी जयंती है, उनको भी सशस्त्र नमन करती हूँ। दोनों ऐसी महान विभूतियाँ जो कि महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, और हम सब उनके मार्गदर्शन लेकर के हमारे अंदर भी शक्ति आती है कि महिलाओं को देश में कितनी अहम भागीदारी होती है। हमारे देश के बहुत हमारी बेटियां हैं, वो हमारे देश का भविष्य इन महिलाओं को देख करके बनती हैं, इसलिए हम उनको बहुत सशक्त नमन करते हैं। और आज इंदिरा गांधी जी की जयंती पर जो काले का कानून थे, कृषि का काले कानून थे, आज वो केंद्र सरकार को वापस लेना पड़े, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए आज ये सिद्ध हो गया है कि जनता सर्वोपरि होती है। आज जिस तरीके से किसानों के शोषण करके जिस प्रकार से कृषि कानून लागू किए गए थे, उनको मजबूरन मेरे जो किसान भाई बेचारे 3-4 महीने हम कितने महीनों से देख रहे हैं, धूप में, ठंड में, बरसात में, कितने ही किसान वहाँ शहीद हुए, लेकिन उन्होंने अन्याय नहीं होने दिया, लगातार किसान भाइयों ने लड़ाई ली। और इसी के साथ हमारे कांग्रेस सभी वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, सभी लोग हम लगातार किसान भाइयों के साथ खड़े रहे, और अंततः मोदी सरकार को झुकना पड़ा और ये कृषि चालू कानून को वापस लेना पड़ा। मैं अभी आगे भी यही कहना चाहूंगी केंद्र सरकार से कि कोई भी निर्णय लेना है जनता के हित को लेकर के किया जाए, पूरे जो सभी लोगों से विचार विमर्श करके लेना चाहिए। जो मेरे किसान भाई जो शहीद हुए हैं, उनको भी उनकी आत्मा को शांति मिले, और आज किसानों को सम्मान की प्राप्ति हुई है, उसके लिए हम सब बहुत बहुत आभार हैं। और मैं एक बार केंद्र सरकार को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपका ये फैसला हम सब के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला रहा, और किसान भाइयों के सम्मान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था।
भोपाल में सरेआम तलवार लहराते हुए बदमाश का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देर रात तेज गाने पर तलवार के साथ बदमाश डांस कर रहा है। बदमाश विधायक आरिफ मसूद का करीबी बताया जा रहा है। दरअसल यह व्यक्ति लोगों में अपने नाम का खौफ पैदा करने के लिए ऐसी हरकत कर रहा है। बदमाश पर आधा दर्जन के लगभग मामले दर्ज हैं। युवक का नाम फारूख मिन्नी है। श्योपुर के मानपुर थाना क्षेत्र में राजस्थान से शादी में पुड़ी बेलने के नाम पर बुलवाई गई महिला के साथ पांच अलग अलग ग्रामीणों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया। आरोपी ने महिला के साथ एक खेत में बनी झोपड़ी में वारदात को अंजाम दिया। महिला राजस्थान के झालावाड़ा की रहने वाली बताई जा रही है और महिला शादी समारोह में पुड़ी बेलने का काम करती है। महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी ग्रामीण फरार हैं। पुलिस टीम उन पांचों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। फरार आरोपियों में इंदरमाली नरोत्तम मीणा, अकमल मीणा, ब्रजेंद्र सरदार, कोरमेन नाम के व्यक्ति शामिल हैं। महिला ने रिपोर्ट किया कि उसको मजदूरी के बहाने राजस्थान से बुलाया था और उसके साथ में बड़ौदा सर्कल में वो मानपुर सर्कल में पांच लोगों ने उसके साथ व्यभिचार किया। उसकी रिपोर्ट पर से थाना मानपुर पर अपराध दर्ज किया गया है और विवेचना जारी है और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार। लंच क्लब भोपाल सरोवर के द्वारा रंगरंग आतिशबाजी, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं स्वाद बेमिसाल व्यंजन बनाओ प्रतियोगिता, संगीत और नृत्य की थाप के साथ बड़ी धूमधाम के साथ दीपावली मिलन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर समारोह स्थल को 1000 दीपों से सजाया गया एवं रागिनी सैनी के नेतृत्व में नवीन कन्या विद्यालय छात्रावास की छात्राओं ने शानदार 100 वर्ग फीटर पर रंगोली बनाई। टीकमगढ़ में प्रदेश सरकार की योजना अनुसार अधिकारी महिला एवं बाल विकास द्वारा एक बैठक में निजी स्पॉन्सरशिप योजना की जानकारी दी गई। बैठक में टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। योजना में समेकित बाल विकास संरक्षण योजना अंतर्गत देखरेख व बेसहारा बच्चों की देखभाल स्पॉन्सरशिप के माध्यम से संरक्षकों को आगे लाने की पहल की जा रही है। स्पॉन्सरशिप के जरिए आम लोगों सहित औद्योगिक इकाइयों, प्राइवेट कंपनियों, संस्था आदि को ऐसे बच्चों की सहायता के लिए आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला बाल विकास के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, निजी स्पॉन्सर योजना। इसके तहत हमारे कोरोना काल में लोग खत्म हुए हैं, आज उनके जो बच्चे हैं उनका कोई विभाग नहीं है, उनका कोई संरक्षण नहीं है। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता उनको छोड़ के चले गए, देख रेख करने वाला कोई नहीं, ऐसे बच्चों के लिए योजना लाई गई है। इसमें 24,000 रुपये एक बच्चे पर एक वर्ष का खर्च आता है, 2,000 रुपये महीने। तो आज शहर के बहुत से ऐसे दानदाता हैं जिन्होंने आज लगभग 9 बच्चों को गोद लिया है और 10 बच्चों को मैंने भी आज गोद लिया है ऐसे। और हम समाज में इस बात के लिए जागरूकता लाने के लिए आयोजन भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे कि जो अंतिम छोर के व्यक्ति खड़े हैं, दीनहीन हैं, अनाथ हो गए हैं, जिनका कोई विभाग नहीं है, संरक्षण नहीं है, आवश्यकता है, ऐसे लोगों के लिए हम सब आगे आए और ऐसे बच्चों की मदद करें। और 24,000 रुपये साल कोई बड़ी बात नहीं होती है, समाज के बीच में भी हम जाएंगे। आज भी बहुत से ऐसे शहर के हमारे दानदाता जिनने राशि दी है और इसको हम और आगे बृहद रूप में ले जाएंगे, जिससे किसी व्यक्ति को पैसे के अपने जीवन में बाधा ना हो। तो अनाथ है, घर है, बेसहारा है, वो अपना जीवन अच्छे से यापन कर सके, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, उसके लिए अभिनव महिला बाल विकास का है। हमारी ऋतुजा में हमारी त्रिपाठी से पूरी महिला विकास बाल विकास की टीम निरंतर इस पुनीत कार्य को कर रही है। मैं इनको भी हृदय से बधाई देना चाहता हूँ और मैं इनको आश्वस्त करता हूँ कि इस योजना इनकी है, इसमें हर संभव मदद हम सब जन करते रहे। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ का 58वां मेला शुरू हो चुका है, जहाँ लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और कार्तिक पूर्णिमा पर शिवनी नदी में दीपदान कर सुख समृद्धि की कामना की जाती है। कुमारी कन्याएं और महिलाएं पूरे कार्तिक महीने व्रत रखती हैं। भगवान पशुपतिनाथ का यह मेला 15 दिनों तक चलता है। प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सीसीटीवी कैमरों से पूरे मेले पर नजर रखी जा रही है। आई दार, आई दार,
साल से हमारे देश में कोरोना की लहर चली थी, उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा त्रस्त किया। और दो साल के बाद जब मंदसौर ज़िले में मेले का आयोजन रखा गया तो पूरा जनमानस बहुत प्रसन्न है, खुश है। सुबह से यहाँ महिलाएं, बालिकाएं जो कार्तिक मास में पूरे कार्तिक का व्रत रखती हैं, भगवान को यहाँ पर आकर के माँ शिवना के चरणों में दीपदान करती हैं, टाटियाँ वगैरह यहाँ पर आकर के वो तैराती हैं और अपने व्रत को पूर्ण करती हैं। और इसी संदर्भ में यहाँ पर आयोजन है मेले का भी। पूरा मंदिर आप देखेंगे कि पूरा मंदिर यहाँ पर सजाया गया है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने भी चयनकालीन युवा आरती मंडल के तत्वावधान में दीपदान का ये महाकार्यक्रम यहाँ पे हमने रखा है। शाम को यहाँ पर दीपों से आरती भी रखी है, इसके अलावा 5100 दीयों से हम पूरे मंदिर को रोशन किया है हमने। हमारे सनातन धर्म में कार्तिक महीने का विशेष महत्व होता है। आज कार्तिक मास का अंतिम दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा है, जो कि चार मास चतुर्मास में सारे सृष्टि का भार भगवान शिव के पास आता है। और आज ही के दिन पुनः भगवान शिव नारायण के हाथों में पूरा सृष्टि का भार देते हैं। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा पर दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। देवालय, नदी तट पर और शिवालयों में दीपदान विशेष किया जाता है। जो कुंवारी कन्या अपने मनोवांछित पति के प्राप्त करने के लिए, स्त्रियां अपने घर की सुख शांति के लिए महीने भर तक कार्तिक मास का व्रत रखती है, ब्रह्म मुहूर्त स्नान पूजन तप पाठ करती है, वो आज के दिन नदी में दीपदान कर अपने कार्तिक मास की पूर्णाहुति करती है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर जो है, भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा का पाठोत्सव भी कार्तिक मास से प्रारंभ हो जाता है और पाठोत्सव के रूप में यहाँ पर एक विशाल मेला भी लगाया जाता है। चूँकि पशुपतिनाथ महादेव में श्रद्धा रखने वाले दर्शनार्थी काफ़ी दूर दूर तक फैले हैं, तो यहाँ पर पूर्णिमा के दिन विशेष कर यहाँ पर पधारते हैं, सुबह से भगवान की पूजन आराधना करते हैं, नदी में दीपदान करते हैं, मंदिरों में दीपदान कर मेले का आनंद लेते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। सतना जिले की प्रिज्म जॉनसन सीमेंट मनखरी में संविदा श्रमिकों और ठेका में लगे मजदूरों का वर्षों से प्रबंधन द्वारा शोषण किए जाने की बात सामने आ रही है। संविदा श्रमिक और ठेका श्रमिकों को समान वेतन और सुविधाओं दिए जाने को लेकर 10 वर्ष पहले श्रमिक संगठनों और फैक्ट्री के बीच एक समझौता हुआ था, जिसको फैक्ट्री प्रबंधन ने वर्षों बीत जाने के बाद भी लागू नहीं किया है, जिसकी शिकायत सेंट्रल लेबर कमिश्नर दिल्ली से की गई है। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सेंट्रल कमिश्नर द्वारा श्रम आयुक्त जबलपुर को कई बार निर्देश दिया गया है। आज आए थे यहाँ प्रिंस जॉनसन सीमेंट लिमिटेड मनकारी सपना का कारखाना है, वहाँ विगत 10 साल से जो समझौते का पालन नहीं कर रही, उसका उल्लंघन कर रही है। हमने जो है तो 26/10 को और 7/10 को सेंट्रल लेबर कमिश्नर, चीफ लेबर कमिश्नर को हम दिल्ली में ज्ञापन दिए थे। उन्होंने कई राउंड टेलीफोन करके इन लोगों को निर्देशित किया और कहा कि वहां मौके में जांच करिए कि वहां जो हमारा 20/2/2019 को जो समझौता हुआ है उसको पालन हो रहा कि नहीं हो रहा। लेकिन ये और ये समझौते के लिए कई बार हमने आवेदन दिया और आज तक कार्रवाई नहीं हुई। पिछले दफ़े सेंटर कमिश्नर जबलपुर के टेबल में बैठ कर के चर्चा हुई और उन्होंने भी कहा था कि हम जांच करा करके हम पालन कराएंगे, और जांच कराने के लिए श्रम परिवर्तन अधिकारी प्रभात तिवारी जी हैं, उनको निर्देशित भी किए, वो कल से फैक्ट्री में पड़े हुए हैं और वो ऑफिस के अंदर प्रबंधक के बैठे हैं, मजदूर बाहर खड़ा है, कारखाना के अंदर भी मजदूर खड़ा है कि हमारे जांच के लिए आएंगे, वहां उनसे मजदूरों से। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, इसी अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के गुरुद्वारा पहुंचे और गुरु ग्रंथ साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका और रायपुर सहित पूरे प्रदेश व देश में खुशहाली की कामना की। करता पुरख निरपो निर्वैर। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर सिटी कोतवाली अशोकनगर में 2 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में कई लोगों के नाम शामिल हैं। दरअसल अशोकनगर जिले में मतगांव नाम में हुई घटना के बाद
जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और जाति दंगा ना हो इसके लिए धारा 144 लगाई गई है। साथ ही थाना प्रभारी विवेक शर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है, साथ ही सख्त हिदायत दी है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर ना तो कोई आपत्तिजनक पोस्ट करे और न ही ऐसी पोस्ट पर टिप्पणी करे। मदागन गांव में घटना हुई थी, उसके बाद पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों में कार्रवाई की गई है। अस्पताल में हुई घटना पर भी पुलिस के द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई की गई है, लेकिन कतिपय संगठन के द्वारा एक आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जिले में धारा 144 लागू है और उसके पश्चात लोगों को भड़काने, शहर में उपद्रव करने की आशंका को देखते हुए उनके द्वारा जो पोस्टें यहाँ की गई हैं सोशल मीडिया पर, उस पर संज्ञान लेते हुए प्रकरण पंजीबद्ध। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।